बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं एक बेस्ट और स्पेशल वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज़ों और मेरे प्यारे चाहने वालों, मेरी और आपकी रमज़ान शरीफ की इबादतों का, मेरी और आपकी रमज़ान शरीफ की जो तरावी हमने पढ़े, जो कुरान शरीफ का तिलावत किया और जिस किस्म के हम लोगों ने ज़िक्र अज़कार किए और अल्लाह ताला की याद में ये जो महीना हम लोगों ने गुजारा, तो अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल भी हम पे होता रहा और अल्लाह ताला ने इनाम की सूरत में हमें ईद इनाम दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया है। ये जो ईद है हमारे लिए इनाम है, ये इनाम का चांद नज़र आ गया है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कल इंशाल्लाह ईद उल फितर होगी, ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया। कल इंशाल्लाह तमाम मुसलमान ईद उल फितर को ज़ोर और शोरों से, खुशियों से, पुरजोश अंदाज में इंशाल्लाह मनाएंगे। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप लोगों को ईद उल फितर का चांद मुबारक, चांद रात मुबारक और पेशगी ईद भी मुबारक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो है ये ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक बार फिर से आप लोगों को बताता चलूँ कि ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया है। कल इंशाल्लाह एक शव्वाल होगी, ईद उल फितर सारे मुसलमान मनाएंगे। तो मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए और ईद की खुशियों में गरीबों को, कमज़ोरों को, कमदस्तों को ज़रूर याद कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको अपनी खुशियों में शामिल भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।